नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखे, जब मुश्किल आती है वहां तकरार ना हो यह मुमकिन नहीं है, पर इस वक्त तो केवल एक ही देश नहीं पूरी दुनिया की सलीके से बज रही है। यह चीन की करतूत का परिणाम है या चमगादड़ का, यह तो शायद कभी पता नहीं चले। पर फिलहाल जिस तरह कल डोनाल्ड ट्रंप और आज माइक पोम्पियो ने चीन के साथ रूस को सवालों के घेरे में लिया, उसने जरूर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका का यह कहना कि चीन ने इस रोग को न केवल पैदा किया बल्कि इसके फैलने की जानकारी छुपाकर पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, यह कहीं ना कहीं अमेरिका की छटपटाहट बयान करता है। अमेरिका के हालात अब खराब होते जा रहे हैं, यहां 250 से ज्यादा लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और 10,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। पर सवाल यह नहीं है कि फरवरी माह से पूर्व चीन ने क्या दृष्टिकोण अपनाया था। खास बात यह है कि खुद को विश्व का दादा कहने वाला अमेरिका समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाया। मार्च के शुरुआती दिनों तक यहां पर जांच के रूप में अच्छी खासी रकम ऐठी जा रही थी। बाद में हालात बेकाबू हुए तो सरकार ने कानून बनाकर जांच मुक्त कर दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जबकि इसके तर एशिया के कई देश जिनमें सिंगापुर, वियतनाम और भारत भी शामिल है, उन्होंने इससे निपटने का प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ संक्रमित लोग जरूर हैं, मगर वे ज्यादा तेजी से विस्तार नहीं कर पाया है। भारत पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी महीने में ही मास्क और सैनिटाइजर के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके बाद भारत में आज ये आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि समस्त अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की सुविधा अमेरिका से पहले मोदी सरकार कर चुकी थी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार जो बिडेन ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं कि वे अपने मित्र नरेंद्र मोदी से यह सीख क्यों नहीं ले पाए। वे कहते हैं कि इस रोग को रोकने में मोदी सरकार ने कम से कम संसाधन के बावजूद जब सफलता प्राप्त की है, ट्रंप ऐसा क्यों नहीं कर पाए। बिडेन की बात राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, मगर उसमें सच्चाई भी है। पर ट्रंप अपनी नाकामी का ठीकरा चीन और रूस पर फोड़ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में चीन पर ही सवाल उठाए थे, बाद में रूस को भी घसीट लिया गया, जबकि रूस का इससे दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। दुनिया में मोदी की पहचान उनके नाम से नहीं, काम से होती है। राष्ट्रीय मसले हो या अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, मोदी सदैव दो कदम आगे की सोचते हैं। ट्रंप ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं, मगर दूरदर्शी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में वे मोदी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। बड़ी बात यह है कि देश का एक बड़ा वर्ग मोदी के प्रत्येक अभियान में उनके साथ खड़ा होता है, जो उनके कद को दुनिया में सबसे ऊंचा कर देता है। अब सवाल यही है कि अगर ट्रंप को चीन या रूस पर या फिर इन दोनों पर संदेह है, तो वे इन पर किस तरह का एक्शन ले सकते हैं। चीन तो दुनिया में इस बीमारी का प्रसार करके अब इसी रोग की दवा बेचने की मंडी तैयार कर रहा है, जबकि ट्रंप के देखते देखते अमरीकियों के ऊपर जाने की तादाद हर घंटे बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे राज्य लॉकडाउन किए जा चुके हैं, मगर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। संक्रमित अमरीकियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर बावजूद इसके इस सच्चाई को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे मुल्क मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमरीका आज तक भी इनमें से किसी देश की पूछ नहीं उखाड़ पाया, भविष्य में कुछ कर पाएगा इसकी संभावना भी न के बराबर है। बड़ी बात यह है कि अमरीका और चीन में अब असली संघर्ष इस दवा को लेकर होगा, जहां एक बड़े मुनाफे पर इनकी निगाहें टिक चुकी है। खास बात यह है कि भारत भी इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है, पर वह सदैव की तरह खामोशी से अपना काम कर रहा है। संभवतः मोदी का भारत इस प्रतिस्पर्धा में एक बार फिर से बाजी मार सकता है। वैसे भी यह मोदी का स्वभाव रहा है कि वे चुनौतियों के लिए चुनौती बन जाते हैं। अगर जो भी डॉन को उनमें दूरदर्शी लीडर नजर आया है, तो वह भारत के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। मोदी तो ऐसी कार्य प्रणाली के लिए ही जाने जाते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।